तो आजकल क्या कर रहे हो? कुछ कर रहे हो या बेकार हो? इन्हें देखो, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर और वो बिजनेसमैन। अब तुम क्या करते हो बताओगे? ये सुबह 9 बजे ऑफिस जाते होंगे, शाम को 5 बजे घर आते होंगे, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, टीवी देखते वक्त ये फैसला नहीं कर पाते कि न्यूज देखूं या क्रिकेट मैच, पत्नी अकेली खाना पकाती है और ये सिगरेट पीते हुए सारे घर में ऐश ट्रे ढूंढते रहते हैं। तुम लोग क्या घर में अपने माँ बाप से ऐसे ही बात करते हो क्या? जरा भी बात करने की तमीज नहीं है हा? और तो और, घर में कमाने की और खाने की अच्छी परंपराएं तो है नहीं, बगैर कमा के इन लोगों का कैसे चल जाता है मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं लिख के देता हूँ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। इसकी अकड़ देखी हैं? और इसका बड़ा भाई, शादी के दिन तो बखेड़ा खड़ा कर दिया उसने एक ग्लास पानी के लिए। अरे वेटर, अरे टमाटर का सूप पिलाओ इसे। बिल की चिंता मत करो, वो मैं दे दूंगा भाई, ऊपर से टिप भी दे दूंगा। उस दिन अगर पता होता उनका मूड आपकी वजह से बिगड़ा है तो नतीजा बहुत बुरा होता। अच्छा चल बता, तू मेरा क्या कर लेता? अरे मैं इन लोगों को सुधरने के लिए कह रहा हूँ, नहीं सुधरना है तो मत सुधरो, उसमें मेरा क्या जाता है? हैं? आज तक मेरे बाबा ने मुझसे नहीं कहा कि मुझे क्या करना है, तो फिर आप जैसे किसी की बात मैं क्यों सुनूं? आपने पैसा तो कमा लिया लेकिन तमीज नहीं। वैसे भी इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, समझे? मेरे परिवार को कुछ कहा ना तो एक एक की टांगे काट के हाथ में दे दूंगा। हेलो एंग्री यंग मैन, मैंने क्या सोचा था और तुमने क्या कर दिया? मैंने तुम्हारा कितना अच्छा इंप्रेशन बनाया था लेकिन तुमने तो... चुप करो गीता, ना तुम्हारे बाप को बोलने की अकल है ना बात करने की तमीज। गुस्से में तो जानलेवा लगते हो, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी जान दे दूं। जानू, रेड कलर की शर्ट तो तुम्हारे चेहरे के रंग से मैच करती। बाप की तरह सिर्फ बाहरी चीजों पर ही ध्यान देती हो तुम। हाँ? यही सिखाया उन्होंने? ज्यादातर चीजें मैंने अपनी मॉम से सीखी हैं। बाप क्या करता था? वो तो काम में बिजी रहते थे। चुप कर, चुप। ये क्या है? एक खींच के दूंगा ना सारे दांत बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हो गया ड्रामा शुरू। मैं समझ गया, तुम्हारे बाप ने तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। देखो, प्यार तो मुझसे करते हो, मेरे डैड को क्यों बीच में ला रहे हो? तुम हंसते खेलते ही अच्छे लगते हो, अब मुंह ठीक कर लो ना जानू। लोगों के जज्बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है, लगता है सारा परिवार एक जैसा है। मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। तो कूदो, मेरा मॉल थोड़ी है। महेश बताओ कहाँ से कूदूं? यहाँ से कूद जाओ। उससे प्यार नहीं करता, बस हल्की फुल्की पहचान है। प्यार का मतलब होता है साथ में घूमना, आई लव यू कहना, फोन पर घंटों बातें करना। लगता है नंबर चेंज करना पड़ेगा। इस वक्त फोन क्यों किया? क्यों, फिर कब करना था? अरे 11 बजे तो क्या हुआ, रात है, अंधेरा है, अंधेरे से डर लगता है। बाय। हे रुको रुको रुको, मैंने फोन नहीं लगाया, मेरे फोन ने फोन लगाया। क्या करूं इसका, यहाँ हालत खराब है और ये पीछे मार रही है। भैया कहाँ गए? भैया कहाँ हो आप? मैं टेरेस पे इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी ऊपर आइए। मैं जा रहा हूँ। कहाँ? मैं घर जा रहा हूँ। घर क्यों?
मेरी बात तो सुनिए भैया। जिसको जो करना है करता है, बस मैं नहीं कर सकता, मतलब ही कहेंगे। मैंने क्या किया है? किसी का खून किया है? बात किए बिना चले गए? बड़े भैया हैं तो क्या, छोटे की फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है? 7,000 का फटका लग जाएगा। वेंकटेश वापस आ गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ बताया? क्यों, महेश से पूछ के देखो। पूछा। आप भी ना कभी सही जवाब नहीं देते हो, जब भी पूछो ना बस टाल देते हो। वो दोनों अब अपना ख्याल रख सकते हैं। काश ये सच होता। ये तो भगवान की कृपा है कि नंदिनी की शादी निपट गई। अरे सुनो, अरे नंदिनी की शादी से मुझे याद आया, क्यों ना मैं विजयवाड़ा उन लोगों के घर हुआ हूं। उनकी बड़ी बेटी अमेरिका से आई हुई है और नंदिनी का रिश्ता उसी ने तो तय करवाया था। देखो मेरी बात सुनो, उससे यही कहूंगा कि तुमने बहुत बड़ा एहसान किया उनके फेरे लगवा के, शादी करवा के। ठीक कह रहा हूं ना? सुनो एक काम करो, बेसन के लड्डू बना देना, उनके लिए लेता जाऊंगा। सीता बारिश आने वाली है, कपड़े उतार ले। हाँ ठीक है। क्या कर रही है? अरे भगवान जी मेरी फोटो ले रहे हैं, मुझे पोज तो देना पड़ेगा ना। दिमाग खराब हो गया इसका। ए रुको रुको रुको, अब कहाँ से फोटो लेंगे बताओ। हाँ यहाँ से। क्या है? वहाँ देखो ना। क्या है? बस एक फोटो। एक और एक और। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का बिल्कुल हीरो की तरह दिखता है। और एक बात बता दूं, घर बैठे बैठे ऐसा रिश्ता सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। मैंने तो उन्हें बोल दिया है कि भाई मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से ना का कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सेटल होना है तो ऐसे लोगों का हाथ थामना पड़ता है जो जिंदगी में ऑलरेडी सेट हैं। रुको, कहाँ जा रही हो? देखो एक बार अगर तुमने इस अमीर घराने से आए हुए रिश्ते को ठुकरा दिया तो मैरिज ब्यूरो में पोर्टफोलियो देने से भी कुछ नहीं होगा। चाहे तो कुछ भी कर ले, कोमल के लिए 1,000 लड़के ढूंढ ले। सीता की शादी से पहले मैं और कोई शादी नहीं देखना चाहती। अरे उस बच्ची को तो जैसे हम सब एकदम से भूल ही गए हैं। बस अब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या बात कर रही हो अम्मा? अम्मा भैया ने सीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा। क्या सोचा होगा? ये सोचते सोचते मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम लोगों को कोई परवाह है? जो भी हो, मैं अभी तुम लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। तुम सब अपनी जिम्मेदारी भूल गए। आखिर उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे तो खाली अपनी बेटी नजर आती है बस। कभी सीता के बारे में सोचा तूने? नमस्ते रमन जी। क्या टाइमिंग है? सब ठीक है ना? ये लो बेटा, तुम्हारी आंटी ने खास तौर पर ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाए। उसने कहा था कि काश इन लड्डुओं की सारी मिठास तुझ में घुल जाए और तेरे होने वाले बच्चे सुंदर और स्वस्थ हों। कैसे है सब? सब ठीक चल रहा है ना? आपको देख के दिल खुश हो गया। माँ जी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक। कैसी है बेटा? बैठिए ना भैया। हाँ मैं ठीक हूँ। वाह 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 भाई, आप सबको यहाँ एक साथ देख के मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भास्कर राव कैसे हो? बैठो। देखा प्रकाश भाई कितने वक्त पे आ गए, दिल से मांगो तो सब मिलता है। सीता बिटिया की शादी की बात चल रही थी लेकिन रिश्ता गीता का आया है, जबकि माँ जी चाहती हैं कि पहले सीता बिटिया के हाथ पीले हो जाए, और ऐसे में देखिए आप आ गए हैं। शुक्रिया। सीता जितनी आपकी जिम्मेदारी है उतनी मेरी भी है, और वो शादी के लायक भी है। आप चाहते होंगे कि उसकी शादी आपके बड़े बेटे वेंकटेश से ही हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो तो बेरोजगार है, ये सब तो देखना ही पड़ता है ना। आप भी मेरी तरह सीता के उज्जवल भविष्य के बारे में चिंतित होंगे, और होना भी चाहिए। अगर मैं कमल राव के बेटे से सीता बिटिया की शादी पक्की कर दूं तो इसकी छाती चौड़ी हो जाएगी।
पर सीता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए उसका रिश्ता मैं अपने टक्कर के किसी बड़े घराने में ही करना चाहता हूँ। सीता के लिए तो हर कोई सिर्फ अच्छा ही सोच सकता है, वो है भी तो ऐसी लाखों में एक। चाची मैं कैसी लग रही हूँ? मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों, तू क्या शादी के बाद हमारे साथ रहेगी? रिश्ता है तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रही है। देखा आपने, लड्डू फूट रहे हैं। पहले कभी ऐसी तैयार हुई थी? चाचा जी ने कहा इसलिए तैयार हुई, और कुछ नहीं। इसकी गलती क्या है, शादी के लायक है। जवान बेटी कोई घर में बिठाता है, उसका घर ससुराली होता है। बात करती है, वेंकटेश लायक होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं चाचा जी क्यों और कैसे इस बात के लिए राजी हो गए। वैसे ये सब करने से पहले उन्हें मुझसे कुछ पूछना तो चाहिए था ना। हम बहुत ओपन सोच वाले हैं, टोटली ओपन। हम सारी चीजें ओपनली डिस्कस करते हैं, लेकिन मेरा बेटा थोड़ा कम ओपन है। उसे आज भी पुराने जमाने की लड़की पसंद है जो घर संभाल सके। क्या बात करें डैडी, मैं तो आपसे कहीं ज्यादा ओपन हूँ। पूछ लो मम्मी से, वही आपको बताएंगी। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूँ ना? मान लिया बेटा, तू भी थोड़ा ओपन। विजयवाड़ा वालों ने क्या रिश्ता भेजा है, ये लोग कुछ ज्यादा ही ओपन है। लगता है घर में कपड़े नहीं पहनते होंगे। अरे कमल राव जरा बातें कम करो और बिटिया को बुलाओ। सीता बिटिया आ जाओ। डैडी शी इज ब्यूटिफुल। अरे सुनो जरा, ये मूछ वाला कौन है? ये इनका बड़ा बेटा है, सीता इसे प्यार करती है। आप ना करेंगे तो शादी इसी से होगी। आप बहुत ओपन है ना, इसलिए सब कुछ ओपनली बता दिया। डैडी जल्दी कीजिए, अब रहा नहीं जाता। मम्मी मुझे लड़की पसंद है। हमारी तरफ से ओके है, डबल ओके। सगाई की फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। 125 रुपए का नारियल हाथ में रखो, लड़के के हाथ में चांदी का सिक्का रखो और बात खत्म। 1 महीने बाद शादी कर सकते हैं, बाकी की बात फोन पर कर लेंगे, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ जितनी जल्दी हो सके शादी की तारीख पक्की करो। इन सब फॉर्मेलिटीज में क्या रखा है? अरे जब मुझे लड़की पसंद है तो इतनी लंबी डेट क्यों? कोई करीब का शुभ मुहूर्त निकालिए। मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुलाना, मुझे मत बुला। ए आई ए, ये सब क्या है? ला।